तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। भाई आज थोड़ा सा ऐसा गर्माहट करके रखा है, एसी पंखा सब कुछ बंद करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास ऐसा कुछ गेमिंग मसाला आया हुआ है। सबसे पहले आईकू का मोबाइल कूलर कह लो वो मिलता है, और यहाँ पर आईकू की थम्स लिप्स है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये कितना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ऐसा ठंडाई वंडाई करता है कि नहीं करता, वो सब चीजें चेक करेंगे। तो ये इसकी जो प्राइसिंग है ना, कुछ 2500 की है, मतलब 2500 रुपए का मिलता है आईकू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये जो थम्स लिप्स है ये भी कुछ अराउंड 250 रुपए के आसपास आती है। मेटल टाइप का बॉक्स है, उसके ऊपर आईक्यू की ब्रांडिंग, और उसके बाद में ऐसे स्लाइड करोगे तो ओहो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से सजा के दिया हुआ है भाई। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आईक्यू की थम स्लिप्स आती है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अंदर रख सकते हो। 250 रुपया थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, बाकी जब रिजल्ट देखेंगे टेस्टिंग में कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनका कूलिंग पैड निकाल लेते हैं, और यहाँ पर एक अटैचमेंट है, ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड भी हो जाते हैं। और इसकी जो प्लास्टिक की बिल्ड आती है, बट ये ना बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की मैं कहूंगा, इसका कुछ वेट भी अराउंड है ना 70 ग्राम के आसपास निकल कर आता है। एक टाइप सी का पोर्ट इस तरफ नीचे की तरफ है, और एक साइड की तरफ है, और ये एरिया ना रबरिक टाइप का थोड़ा सा निकल कर आता है। और ये इस तरीके की यूएसबी आती है इसके अंदर, बहुत छोटी सी है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगाओगे। एक आईकू 9AC है यहाँ पर, तो इस तरफ तो इसका पोर्ट आता नहीं है, तो डिवाइस पे लगाना है, तो कुछ यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच आप इजीली कर सकते हो। एक टाइप सी यहाँ लगा दिया, और एक हमने डायरेक्ट यहाँ से बेसिकली ये पावर लेगा, मतलब डायरेक्ट अपना जो फोन है ना उससे पावर लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मोबाइल से पावर नहीं देनी है, तो यहाँ पर एक केबल लगाओ और फिर डायरेक्ट अपना पावर बैंक से कनेक्ट कर लो, या फिर अगर चार्जर से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, क्योंकि 10 वॉट की पावर ये लेता है। और देखोगे ना अंदर ध्यान से, तो देखो इसका फैन दिख रहा है। और अगर ये पावर अगर नहीं लगानी है आपको, तो इसको तो हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और ये डायरेक्ट मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड एक वायर, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर देख सकते हो पावर लेना इसने चालू कर दिया है, यहाँ पर आपको एक लाइटिंग भी देखने मिल रही होगी। तो देखो लाइटें भी बंद कर दी है मैंने, और यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइटिंग आपको देखने मिल रही है, जो काफी कूल लग रहा है। एक सिंपल सी लाइन आ रही है, और फैन भी चालू हो चुका है। और अगर फैन का ऐसा ज्यादा मतलब ये नहीं है, लाउडर नहीं है, अच्छा है। तो जो रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास में है, ओवरऑल फोन का जो टेम्परेचर 31 के आसपास में है। और यहाँ से भी अगर चेक करोगे फोन का टेम्परेचर, तो वो भी कुछ 33 डिग्री निकल कर आता है। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना ऐसा एंटूडू बेंचमार्क निकालते हैं हम लोग विदाउट इस कूलिंग फैन के, ठीक है। तो देखो एंटूडू बेंचमार्क रन कर दिया है, अभी फिलहाल मैंने इसे चालू नहीं किया है, तो अगर इसका टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो कुछ वही अपना 31 डिग्री के आसपास ही निकल कर आता है। मैं इसको ना अभी थोड़ी देर कनेक्ट कर देता हूँ, ये भाई साहब पर ये चालू कर दिया मैंने, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, और थोड़ी देर बाद में देखते हैं कितना ठंडा होता है। भाई मुझे बस लाइक 1-2 मिनट ही हुआ रहेगा, ज्यादा नहीं, और इसका टेम्परेचर लिटरली हाथ लगाने में ऐसा बर्फ जैसा फील हो रहा है। अगर दिखाऊं आप लोगों को इसका टेम्परेचर, पहले देखो रूम का टेम्परेचर देखो 28 के आसपास आ रहा है, और जैसे इस भाई साहब पर लेकर गए इसका टेम्परेचर देखना, अभी भाई 14 डिग्री का टेम्परेचर है लिटरली। तो यहाँ पर बीच में कुछ 14 डिग्री के आसपास, 13 के आसपास है, कुछ इस तरफ साइड में 28 के आसपास आ रहे हैं, और ये वाला एरिया भी मतलब लाइक 18 पर है, और साइड में भी 14 पर है। तो मेन जो ऐसा कूलिंग वाला पार्ट है मेरे हिसाब से इस एरिया में होगा, बाकी जो है ना पूरा सेपरेट भेज रहा है कि लाइक इधर भी ठंडा उधर भी ठंडा। और भाई ठंड में कैसा पानी वानी जम जाता है, ये देखो भाई फुल ऑन चेक कर दो। हाँ पूरा ठंडा बंद पड़ा है, पंखा बंद है अंदर, कुछ नहीं है, कैसे ठंडा हो कैसे इन सर, अरे बाप रे ये फ्रीजर है अंदर, फ्रीजर ही है, ठंडा हुआ एकदम। देखिए ऐसा कैसे इसके साथ एक बार एंटूडू बेंचमार्क निकाल के देखते हैं, और देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने एंटूडू बेंचमार्क निकाला है, और इस बार मैंने फैन लगा के करा था। यहाँ पर देखोगे ना जो टेम्परेचर भी ना वो लाइक 38 डिग्री के मतलब 39 ही पकड़ लो, और इसके पहले 42 डिग्री पे गया हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कह सकता हूँ फोन को कूल किया है इसने, तो कुछ 37 के आसपास है। तो यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को देखने मिला, थोड़ा फोन ठंडा भी है। तो मैं बहुत साइलेंट एरिया में बैठा हूँ, तो मुझे ना इसकी जो फैन की डीबी है जो इसका नॉइज है वो सुनने मिल रहा है, इवन अगर आप भी सुनोगे तो। बाकी अगर ऐसा थोड़ा घर में बैठे हो, टीवी वगैरह चालू है, या फिर कुछ भी बैठे हो, तो वहां पर ये इतना फील नहीं करवाएगा। तो इसका प्रोसेसर है ना समवेयर यहाँ पे कहीं है, और अगर मैं इसे यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये प्लेस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो है ना प्रॉपर ये सरफेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैमरा बम्प आ जा रहा है, सो इसके लिए यहाँ पर गैप है, बट शायद से फिर भी ये काम तो करना चाहिए। ज्यादातर ना इसे सेंटर में ही अच्छे रखते हैं,
ताकि प्रॉपर ऐसा ग्रिपिंग वगैरह बन जाए। तो देखो फोन का अभी जो टेम्परेचर है ना 34.5 है, पंखा एसी दोनों बंद करके रखा है मैंने, और यहाँ पर अगर फोन का टेम्परेचर गन से अगर चेक करें ना तो अराउंड 33 के आसपास में है, और बैक साइड से भी अगर चेक करोगे तो 33 के आसपास में टेम्परेचर निकल कर आता है। तो अभी क्या करने वाले, इसका पहली बात तो मैंने ब्राइटनेस है ना ऑल समवेयर 60% के आसपास में रख दिया है, तो मैं यहाँ पर एकदम हायर एक्सट्रीम में रख दूंगा, कलरफुल है, और 2x एंटी लाइजिंग को भी ऑन कर दूंगा, तो यहाँ पर 2x रख दिया और ऑलमोस्ट सारी हाई सेटिंग्स मैंने यहाँ पर ऑन कर चुका हूँ। और अभी जो फोन के अंदर बैटरी है ना 86% है, तो समझ लो अभी आधे घंटे हम लोग गेमिंग करेंगे इसके अंदर, और साथ में 100% वॉल्यूम पे स्पीकर पे खेलेंगे ताकि फोन ज्यादा ऐसा हीटअप हो, तब जाके और पता चलेगा। ये स्टार्ट और टाइमर भी स्टार्ट कर दिया। तो भाई थंब स्लिप्स तो अच्छी लग रही है, हाथों में मस्त में तरीके से आ भी गई है, और बड़ी साइज की ऐसा छोटी छोटी सी नहीं है। और अगर आप लोग सोचोगे कि मैंने यही फोन क्यों पिकअप किया इस वीडियो के लिए, तो iQOO 9SE के अंदर स्नैपड्रैगन 888 आता है, और जितना है कि 888 है ना मोस्ट ऑफ इन डिवाइसेस में गर्म हो जाता है, सो वहां पर कितनी हीटिंग ये कंट्रोल करेगा वो भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अरे भाई थर्ड नंबर कहाँ लेके जा रहा है भाई, गटका एकदम खाली जगह। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग ने 33 मिनट्स की गेमिंग कर ली है, और अगर फोन का टेम्परेचर आपको दिखाऊं 43.7, और अगर टेम्परेचर गन से भी चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ निकल कर आता है 43 और 42 के आसपास में है, और अगर बैक साइड से चेक करोगे तो 39 यहाँ पर कुछ थोड़ा ज्यादा है, मतलब 40 डिग्री पकड़ लो, क्योंकि प्रोसेसर वाला पार्ट कुछ इस तरफ से इसके लिए, और बैटरी जो है 73% पर आ गई है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 13% का बैटरी ड्रॉप देखने मिला हमें। तो इसी मोबाइल में फिर से हम लोग गेमिंग करेंगे, लेकिन इस बार ये कूलर होगा, और कूलर हम लोग है ना क्या करते हैं मिडल में ना लगा के यहाँ पर जो प्रोसेसर वाला एरिया है ना जितना क्लोज लगा सकते उतना क्लोज लगा देंगे, थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गेमिंग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फोन के अंदर 72% की बैटरी है, और जो फोन का ओवरऑल टेम्परेचर 39 डिग्री पर आ गया है, कूलर लगाया ऑलमोस्ट 1.5 मिनट हो चुका है, और उसमें इतना थोड़ा बहुत जितना ठंडा वंडा कर दिया मस्त में। गन से चेक करेंगे तो 37 के आसपास यहाँ पर फ्रंट में है, और अगर बैक पे जाओगे तो यहाँ पर कुछ अराउंड 36 है, और ये वाला एरिया पे अभी हम लोग ने लगा दिया तो जो पहले 43 पर आ रहा था और अभी वो कम कर चुका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 35 का टेम्परेचर यहाँ पर ये दे रहा है, और हम इसको थोड़ा इधर कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर बटन है, तो ये दब जाएंगे। और टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, जैसे यहाँ पर स्टॉपवॉच में देख लो, तो सबसे पहले फोन आया है 39 डिग्री पर ही था, ऊपर गया ही नहीं है, और अगर गन से चेक करें ना तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है फोन का कुछ 38 फ्रंट पर है, और अगर बैक साइड से चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ 36 के आसपास निकल कर आता है। अभी यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं, और भाई अगर इसका ये वाला एरिया देखोगे ना स्पेसिफिक, यहाँ पर 29 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आ रखा है, 29-30 के आसपास में है, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया यहाँ पर एक तरीके से, बाकी यहाँ पर साइड बॉडी में 35 के आसपास में। तो अभी देखो यहाँ पर इस डिवाइस में तो किया हम लोग ने, पर अभी थोड़ा सा एक्सट्रीम करते हैं, आईफोन पर जाते हैं, और आईफोन आपको पता हो भाई अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पर हम लोग पहले तो विदाउट फैन के साथ करेंगे और फिर विद फैन, और अगर अभी इसका टेम्परेचर चेक करोगे ना तो वो भी भाई 15-14 दिखने मिलता है, जो काफी ज्यादा इनसेन निकल कर आता है। तो यहाँ पर आईफोन 11 का अगर टेम्परेचर चेक करोगे तो भाई 28 के आसपास में है, और बैक साइड से अगर चेक करोगे तो 28 के आसपास में निकल कर आते हैं, और इसमें जो ग्राफिक सेटिंग्स हम लोग रखने वाले हैं एकदम हाई रखेंगे, HDR एक्सट्रीम कलरफुल 2x एंटीलाइजिंग और ताकि फोन और ज्यादा हीटअप हो, 66% के आसपास बैटरी अभी इसमें, और यहाँ पर ये टाइमर स्टार्ट। भाई गेम स्टार्ट करके 2 मिनट भी नहीं हुआ है और यहाँ पर ये जो एरिया ना हल्का हल्का वार्म चालू हो गया है, और यहाँ पर जो ब्राइटनेस भी ना वो भी 100% पे कर देते हैं, 36 पे आ चुका है, यहाँ पर भी 36 पर है, यहाँ पर 36 पे, साइड के इवन मेटल फ्रेम भी भाई 40 डिग्री ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, और जो स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर 35 के आसपास फोन आ चुका है, वो भी 5 मिनट की गेमिंग में, ज़्यादा भी नहीं 5 मिनट का बस हम लोग ने खेला है। और देखो अभी यहाँ पर 100% ब्राइटनेस रखी थी, वो ब्राइटनेस भी ड्रॉप हो चुकी है अभी।
बहुत बुरी तरीके से एफ एस चिपक रहे भाई इस पर। अभी ब्राइटनेस भी कम है, बहुत उतरी पड़ी है और एफ एस फिर से चिपकना चालू हो गए। बीच में ठीक हुए, वापस चिपकना चालू हो गए। 10 मिनट की गेमिंग के बाद में 40 डिग्री ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं और साइड के फ्रेम अगर बताऊं तो वो भी लाइक 39 के आसपास में। तो प्रोसेसर है ना, जहां तक मैं श्योर हूं ना, इस एरिया में है। यहां पर थोड़ी सी हीटिंग निकल कर आ रही है ज़्यादा। यहां पर लगाने की कोशिश करते कूलर, एक तो इसके बटन भी बहुत क्लोज है तो मैं यहाँ पे भी नहीं लगा पाऊंगा यार, क्योंकि इसके बटन दब रहे हैं। तो मुझे कहीं यहाँ पर लगाने पड़ेंगे तब जाके ये होगा। तो अभी पंखा भी यहाँ पर चालू हो चुका है, तो अभी देखते हैं कि थोड़ी देर में कितना डिफरेंस आता है। I need consumables. So भाई ऑलमोस्ट मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसको लगा कर, और फोन पे जो अभी टेम्परेचर आ रखा है देखो कंट्रोल हो चुका है। इवन यहाँ पर भी 36-35 के आसपास है। तो इतना है कि 5 डिग्री का कंट्रोल मिला और जो ब्राइटनेस ड्रॉप हुई थी ना, मुझे ऐसा लगता है वो रिकवर हो चुकी है। और बैक साइड जो मुझे फोन पे हीट लग रहा था ना ज्यादा, मतलब हाथों में ही लग रहा था, अब वो फील नहीं हो रहा इतना। तो भाई यहाँ पर 26 मिनट का हम लोग ने गेम प्ले किया है, 35-36 के आसपास रखा था फ्रंट में, और अगर बैक से चेक करोगे तो यहाँ पर भी अराउंड 35-36 और यहाँ पर भी अराउंड 35-36 और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नोटिस करते हैं तो भाई वो 31 के आसपास है। हालांकि प्रोसेसर इस तरफ है लेकिन यहाँ से पूरा उसने अच्छे से कंट्रोल किया हीटिंग को। और अगर इसका भी टेम्परेचर अगर चेक करोगे ना तो 21-20 के आसपास निकल कर आ रहा है, और ये भाई साहब काफी इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। और अभी इसके अंदर जो बैटरी है ना वो भी देखोगे तो 45% के आसपास बच चुकी है। सो भाई अगर इन थंब स्लिप को लेकर बताऊं तो मैंने बहुत टाइम गेमिंग वगैरह टेस्टिंग के टाइम पे भी इनको यूज करा है, और ये जो केसिंग दे रखी है ना अच्छा है, मतलब कैरी करने के लिए वगैरह के लिए इजी रहेगा, और जो थंब स्लिप का जो रिस्पांस भी है वो भी सही लगा मुझे। बाकी रही बात इस आईकू के कूलर को लेकर, तो भाई ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, मतलब मैंने टेम्परेचर में ना ड्रास्टिकली चेंज देखा है। सो इसकी परफॉर्मेंस लाइक ऐसा था कि मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना फोन है जो हीटअप कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल iPhone 11 XR है, और वहां पर हीटअप की वजह से ना लाइक गेमिंग में ड्रास्टिकली ना फ्रेम ड्रॉप जाते हैं। आप लोगों ने iPhone 11 की टेस्टिंग भी इसके अंदर देखी, और ये लगाने के बाद जो डिफरेंस निकल कर आया ना भाई वो कहने लायक था। सो भाई यस, यहां पर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, चाहे आपके पास IQ का फोन हो या नॉन IQ फोन हो, दोनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और ये जो कूलिंग वाला एरिया ना बहुत ज्यादा सही तगड़ा निकल कर आता है। सो भाई मेरी तरफ से तो गेमर्स के लिए ना हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है भाई, आप लोग देख लो अगर आपको लेना है तो। यस 2500 रुपीज के आसपास आता है, बट वहां पर अगर आपको लगता है अच्छी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल एक अच्छा देखना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी अगर आप लोगों को एक और अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है ना, मतलब हमारी वीडियोस की मतलब परफॉर्मेंस हम लोग थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं, तो भाई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और अगर आप लोगों को ऐसा गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह देखनी है तो यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियो हमने बनाई है iPhones की और बाकी अदर फोन्स की भी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक चीज और कर लेना, लाइक कर देना याद से वीडियो, मतलब फिर से रिमाइंडर दिला दे रहा हो। बाकी हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय, जय हिंद।